कहते थे कि बियाह करने से पहले अपना पैर पर खड़ा हो जाओ। दिखाई नहीं दे रहा है बाबूजी, अपने पैर पर तो खड़ा है। ये साला हमरा कहे के मतलब कुछ कमाने धमाने लगता था बियाह करा देते, लेकिन ना गान में चुलबुली काट रहा था। गान में ना बाबूजी, लार में काट रहा था। साला बाप के साथ ऐसी बात करेगा रे, तेरा सास के चुम्मा लू। साला ब्याहो कर दिया है तैयो कमाने धमाने नहीं जाता है, भर दिन मौगी में घुसल जाता है। बाबूजी मौगी में घुसल नहीं रहते हैं, मौगी में घुसले रहते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रे तोरा मौगी के मायके गांव में तुमको शर्म उरम नहीं लगता है? साला ससुराल जा रहा है, गोड़ी में तेल भराने के लिए पैसा तक नहीं है। साला की सोचेगा तोर ससुराल वाला रे कि साला दहेजुआ गोड़ी में कैसे के तेल भराने के लिए पैसा नहीं है। तो इतना ही टेंशन हो तो लावा पैसा तेल भरा ले छी। हम कहां से दियो पैसा? कमाते हैं से कमाते हैं तो अपना माल ला ना। माल ला? हां तोर माल ला। अच्छा हां तू कमो अपना माल ला, मतलब कनिया ला। हम कला कमाइयो अपन कनिया ला। हमर कनिया के बाबू जे तोरा दहेज में 2.5 लाख रुपया देल गौ लावा। ओर बाप रे बाप, खिया पिया पढ़ा लिखा का ई गधा सन के क देलियो, ओकर खर्चा कोन देतै? बोल रे ओकर खर्चा कोन देतै? उ दहेज वाला 2.5 लाख रुपया हमर, आई गोरी माल तो हो, मतलब कि कनिया गोरी तो है। हां जी गो लगला गोर दुहा के अकेले चलबे जी। अरे दोस्त तोर पुरनकी माल के न भतारा रहा है। अरे साला के की मेहमान जी, गोरी चोरे के बदला गोरी वहीं पे चोरल है। और मेहमान जी जब तेल भरवाने का अवकाश नहीं रहता है तो कहले दहेज में गोरी ले लेते हैं। आसु मांगे थे, स्प्लेंडर संभालिए नहीं रहा है तो पाची कैसे संभालते हैं। ए मर्दे मर्द रुकिए, देखो किसको बोले हो? आपको बोले और किसको बोलेंगे? हमें आप गांव के दामाद हैं इसीलिए छोड़े थे, मार के फाड़ देते। आप भी हमारे ससुराल के आदमी हैं इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो पति कर लेते। अरे बहुत कुछ कर लेते। बोलिए ना पति कर लेते। अरे बहुत कुछ कर लेते। मर्दे बोलिए ना पति कर लेते, गान मार लेते। क्या बाबूजी इस ससुराल में आ गए इसीलिए छोड़ दिया है, ऊपर से हमारे माल के फतारो है, बांस कर देते बांस।